नसीर साहब से पहली मुलाकात कैसे हुई नसीर से मेरी पहली मुलाकात, इनफैक्ट जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब ये सब दुकान बंद कर दूंगा जो कुछ मैंने खोल रखा था वर्ड दुकान फॉर इट हाँ मुझे लगता है बड़ा बड़ा अच्छा शब्द है पता है अंग्रेजी की दुकान हिंदी की दुकान व्यवसाय की दुकान यू नो ये दुकान बड़ को ऐसा लगता है कि उसका शटर होता है जितना जितना खुला होता है उतना आप घुस सकते हो आ, तो पता नहीं क्यों मुझे वो शब्द ही पसंद है तो खैर वो दुकान मैंने बंद कर दी ताला लगा दिया सील भी लगा दी उसको मैंने कहा वहाँ नहीं जाना अब दोबारा तो उसके बाद मैं खोज रहा था कि कहाँ मैं दोबारा से थिएटर मैं इसलिए दोबारा कहता हूँ कि पहले थिएटर कर चुका था दोबारा से मुझे थिएटर में एंट्री करनी थी तो मैंने कहा चलो मोटली ट्राई कर लेते हैं देखते क्या होता है वहाँ पर तो दादा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ हम सब हमें ज़्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोगों के लिए वो आर्थिक सुरक्षा बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है या सिखाया जाता है बचपन से मतलब जिंदगी का मकसद ही होता है कि बड़े हो और पैसा कमाओ है ना नौकरी स्थायित्व तो ये सब चीज़ें ऐसे में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है वो जमा जमाया काम बंद करके शुरू से शुरू करने के लिए हाँ वो एक तरह से वो क्या कह रहे हैं वो वो निश्चय अगर सुदृढ़ हो ना तो आपको बहुत सहायता मिलती है आप जब आप जानते हैं कि भैया ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा गति ऐसी मिलने मिल सकती है कि मैं मुझे फिर आर्थिक स्थिति को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो आएगी अब अब हम जवान हैं हम जी सकते हैं जैसे मतलब खाते पे काफ़ी कुछ चल रहा था चाय वाय चल रही थी यू you नो know, थोड़ा बहुत धूम्रपान भी चल रहा था उस वक्त तो वो सारी चीज़ें थी तो वैसी ज़िंदगी उस वक्त जीने में ऐसे कोई मतलब स्ट्रगल नहीं कहता हूँ मैं उसको क्योंकि मुझे मुझे मज़ा आ रहा था उस उस ज़िंदगी में भी क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था कंपेयर टू कि मैं अरे मेरे पास शाम के लिए कुछ पैसे नहीं है ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे उस वक्त और उसमें पता नहीं हिम्मत वाली बात है या या सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है डोंट नो हो सकता है कुछ ऐसा हो बट उतना मैंने उस उस पर विश्लेषण नहीं किया तो खैर उस दौरान फिर मैं सोचा कि मैंने कहाँ है मतलब कहीं नाटक वाटक कर लेते हैं भाई तो गर्टन स्कूल में वो रिहर्सल कर रहे थे सीजर की तो वह वहाँ पहुँच गया तो सबसे पहले मुझे बेंजामिन गिलानी दिखे तो मैंने उनसे कहा कि याद है तो उन्होंने कहा क्या मैंने कहा मूड़ाई में आपने अवार्ड दिया था मुझे एक्टिंग वैक्टिंग का तो आई वाला मुड़ा तो उन्होंने कहा ऑफकोर्स फेक कर रहे थे कि हाँ 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 याद है आई नो टफ तो वो लिया उसके बाद फिर नसीर आए तो मैंने पूछा नसीर से मुझे काम कर तो तब वो लोग जो हैं तीन महीना ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके थे उसका तो कोई जगह नहीं थी उसमें एज एन एक्टर तो पूछा उन्होंने द क्राउड uh, मैंने कहा करते हैं नो no तो प्रॉब्लम बस भीड़ में मैं था आ, कभी संतरी बनता था कभी कुछ करता था बट ये पता था कि ये तो आ, अभी के लिए बाद में मैं निकल जाऊंगा इसमें से आगे संतरी और क्लाउड के आगे इतना कॉन्फिडेंस था आ, बस वही जर्नी रहा फिर उसके बाद धीरे धीरे करके महात्मा वसिष गांधी एक नाटक में हमने कर लिया अंग्रेजी में जो उसका वर्ल्ड टूर भी हुआ बहुत कल्ट प्ले बन गया वो। हाँ जी हाँ जी उसमें मैं हरिलाल गांधी था नसीब भाई वो थे गांधी जी प्ले कर रहे थे तो वो भी हुआ अंग्रेजी में फिर धीरे धीरे भोपाल एक्सप्रेस उसके पहले मैंने सईद मिर्जा के साथ एक कैमियो किया था नसीम नाम की फ़िल्म थी उसमें मैंने छोटा सा कैमरा नाइन्टी फाइव में तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर फिल्म कैमरा ही था मतलब आ, वो, वो टेलीविजन कैमरा नहीं था तो ऐसी ज़िंदगी में तब शुरू